हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल से कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको क्लास 10th के मैथ के सिलेबस के बारे में बता देता हूं, ताकि हम चैप्टर वाइज इन मैथ का जो सिलेबस है वो हम धीरे धीरे कवर कर सकें। तो पहला आपका देखिए क्लास 10th के मैथ का जो सिलेबस है उसमें देखिए क्या क्या है। तो पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्या है, मीन्स रियल नंबर। आपको ये अच्छे से पढ़ना है ताकि एग्जाम में आए तो इसको हम धुआं बना दें। आपको अगर आप मेरे साथ चैनल से जुड़े रहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वास्तविक संख्या आपको अच्छे से समझ में आएंगी। फिर दोस्तों आपका अगला चैप्टर जो आता है बहुपद। बहुपद आपका पॉलिनोमियल्स होता है, तो इसमें भी आपके काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं, काफी सवाल आते हैं, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर आपका है तीसरा चैप्टर द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से आपका ज्यादा नंबर में आता है, लगभग 10 या 8-10 नंबर में पूछा ही जाता है, मीन्स 15 नंबर में पूछ सकता है। तो आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो नंबर आपका अच्छा आएगा। फिर आपका है चौथा चैप्टर समांतर श्रेणियां, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसको बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है। तो ये दोस्तों समांतर श्रेणियां है, आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, पढ़िएगा। फिर आपका है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, मैं आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर ना आए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। फिर आपका है चैप्टर 6 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है और वो आएगा ही आएगा, 4 नंबर में आता है। फिर आपका हो जाएगा चैप्टर 7 वृत्त। वृत्त को बोलते हैं सर्कल, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं आपको इसमें थ्योरम बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। फिर आपको हो जाएगा चैप्टर 8 ज्यामितीय रचनाएं, ये आपको पढ़ना है अच्छे से, ज्योमेट्रिकल है, ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल है, ये आपको पढ़नी है ताकि मैं आपको रचनाएं बता सकूं। फिर आपका चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, है ना दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा चैप्टर, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आपका अच्छा से नंबर आएगा। फिर आपका है चैप्टर 10 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो यहाँ से भी आपको काफी शॉर्ट में भी आता है, ऑप्शनल में भी आते हैं और लॉन्ग में भी क्वेश्चन आते हैं, तो अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो नंबर आपका अच्छा गेन होगा। फिर आपका जो अगला चैप्टर है सांख्यिकी। सांख्यिकी आपका स्टैटिस्टिक्स होता है दोस्तों, स्टैटिक्स। ये आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ से देखिए टॉपिक में है कुछ नहीं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो जैसे इसमें समांतर माध्य हो गया, बारंबारता हो गई, और कल्पित माध्य, पद विश्लेषण विधियां, देखिए 3 विधियां है जो लॉन्ग में पूछी जाती है और ऑप्शनल में, मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा अगर आप पढ़ते हैं तो। फिर आपका जो लास्ट चैप्टर है चैप्टर 12 आपका है प्रायिकता। प्रायिकता को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी। तो ये आप अगर अच्छे से, मीन्स इतने चैप्टर अगर आप हमारे साथ अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका एक क्वेश्चन से बाहर आ जाएगा तो मुझे बताइएगा, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप क्लास 10th के मैथ में अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। तो इसी में आप इसी, मैंने आज आपको क्लास 10th के मैथ का सिलेबस बता दिया है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपको क्लास 10th के इंग्लिश का भी सिलेबस बता दें, आपकी क्लास 10th की साइंस का भी सिलेबस बताया जाएगा, फिर क्लास 12 में आपको फिजिक्स का सिलेबस बताया जाएगा, और क्लास 12th में केमिस्ट्री का सिलेबस बताया जाएगा। मीन्स इसी तरह आपके एक एक सब्जेक्ट का सिलेबस बता दिया जाएगा, ताकि आपको पढ़ने से पहले कंफर्म हो जाए कि हमारे सिलेबस में कितने चैप्टर हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल, इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम आपको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त दे सके, है ना दोस्तों। तो चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello।